यहाँ खड़ा है। अच्छा किसकी चिट्ठी पढ़ रहा है? ठीक, गाँव में कोई टपक तो नहीं गया? हैदराबाद से दोस्त की चिट्ठी आई है। दोस्त? मेरा दोस्त अगर चाहे तो हैदराबाद सिटी खरीद सकता है, खुद की एयरलाइन चला सकता है, करोड़पति है, फाइव स्टार होटल बना है, ओपनिंग के लिए बुलाया मुझे। खामोश, तेरे जैसे फटीचर का दोस्त करोड़पति, मैं गन पॉइंट पे भी मानने को तैयार। अबे पहले वो भी फटीचर था, लेकिन फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती है। मैंने नहीं की तुम लोगों से फ्रेंडशिप। अबे हम तुझे फटीचर दिखते हैं क्या? अरे यार, जब तेरा कनेक्शन इतने बड़े आदमी से है तो फिर एक चपरासी के हाथ पैर पकड़ के कर्जा क्यों लिया? अरे इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अरे इससे अच्छा तो हम हैदराबाद जाते, उस करोड़पति दो से 50,000 रुपए लेकर अपना कर्जा वापस कर देते और वो पैसे कभी नहीं लौटाते। कुछ नीच कमीने ऐसे होते हैं जो अपनी औकात से बाज नहीं आते। क्या? अरे यार, मेरा दोस्त हुकुम का एक्का है। लाइफ में अगर बुरी घड़ी आई ना तो 20-25 लाख ऐसे मांग लेंगे उसके लेवल के हिसाब से, ताकि अपना भी लेवल बैलेंस हो। ए, ये क्या चल रहा है? कभी स्लीपिंग, कभी मीटिंग, कभी ईटिंग। मैं पूछता हूँ, ये वर्कशॉप है कि पब्लिक गार्डन है? ये पब्लिक गार्डन में फूल होते हैं, तुम जैसे कांटे नहीं। फैक्ट्री में बोनस होता है, ऐसे बड़े बड़े घाटे नहीं। क्या जहाँ बोनस नहीं मिलता वहाँ पर वर्कर्स काम नहीं करते? नहीं, वहाँ पे धमाल करते हैं, हड़ताल करते हैं, मालिक का बुरा हाल करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। अरे इतना दम है तो जाके मालिक से बात करो। थैंक यू फॉर द एडवाइस। अबे तेरा मालिक कहाँ है? वेरी बैड मॉर्निंग। क्या बकवास कर रहे हो? हम बकवास नहीं, इम्पोर्टेंट बात करने आए। अरे भाई, काम के वक्त काम के सिवा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? बोनस, बोनस की बात। पर ये तो यूनियन लीडर का मामला है। ये हमारे घर का, फीस का, भूख का मामला है, इसलिए फेस टू फेस, पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए हैं। अगर बोनस नहीं मिला ना तो काम पे फुल स्टॉप भी लग सकता है। जबान संभाल कर बात करो। तुम लोग को मालूम है ना मैं तुम्हारा मालिक हूँ? नहीं, मालिक वो है जो खिलाता है। हाँ। और आप वो हो जो बोनस खा जाता है। करेक्ट। दिवाली तक आप हमारे मालिक थे, लेकिन अब आप जानते हैं हमारा पालनहार कौन है? ये चपरासी। ये दुनिया भर के लिए चांडाल होगा, लेकिन हम सब के लिए हमारे दुख का साथी है। अरे दिन में 10 बार इसे घंटी बजाकर बुलाते हो, एक बार इससे कुछ सीख क्यों नहीं लेते? इस ग्रेट सूट बूट और टाई में, एसी और अजाई में, आपको गरीबों के दुख का कुछ भी एहसास नहीं। सर, बड़ी दुख की बात है। जब आप गरीब हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा गरीब क्या है और गरीबी क्या है। शट अप, हद कर दी बदतमीजी की। अरे हद कर दिया आपने, बोनस का थाला छीन लिया। अरे गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। बात करते हैं, कोई काम तो तुम लोग ढंग से करते नहीं हो और चले आते हो बोनस की चर्चा करने के लिए, बॉस की इंसल्ट करने के लिए। नाउ लिसन टू मी, मैं तुम तीनों को इसी वक्त यहां से डिसमिस करता हूं। और सुनो, आज के बाद अगर तुम लोग मेरी वर्कशॉप के आसपास कहीं नजर आए तो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। आउट। अरे गरीब के पेट पे क्या लात मारते हो? अरे हिम्मत हो तो अमीर के पेट पे लात मार के दिखाओ। कम आउट। ए, बाहर निकल उनको। अरे देखते हो तू कैसे फैक्ट्री में। आ चलो बाहर मिल ले। चलो चलो। गए थे मालिक को झटका देने, अरे लग गया ना खुद को फटका। तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से गई ना हमारे हाथ से नौकरी। अरे बेइज्जती की नौकरी से बेकारी अच्छी है, क्यों फिक्र करे तुम लोग? अरे नौकरी के लाइन लगा दूंगा यार। अबे हमारे थोबड़े देकर कौन देगा हमें नौकरी? आज 1 तारीख है, अगर पगार घर लेकर नहीं गए तो बीवियां हमारा झाड़ूओं से स्वागत करेगी। अरे कुछ भी कहो यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या गलती हुई? क्या गलती हुई? अरे तुम अप्पू खोटे को नहीं जानते हो, कुत्ती चीज हूं मैं। अरे भूल गया क्या मेरा बैकग्राउंड? हैदराबाद का करोड़पति दोस्त। हैदराबाद का। खाली मुंह खोलने की देरी 5-10 लाख तो ऐसे रख देगा। अरे खुद की गैरेज खोल देंगे यार। ये अप्पू, क्या सचमुच तुम्हारा दोस्त हमें पैसे देगा? तू यार हमेशा डाउट मत किया कर यार, मेरा अपना दोस्त है यार, बाल्टी भर के नोट ऐसे फेंक देगा। एक ही प्रॉब्लम है, उसके पास जाए ना जरा ठाट से जाए, प्राइवेट टैक्सी लेकर वजन पड़ता ना यार, 6-7 हजार का इंतजाम हो जाए। अरे हाँ यार, जब जिंदगी नई करवट ले रही हो तो छोटे मोटे खर्चों की क्या परवाह करना है यार। मैं अपनी पत्नी का नेकलेस गिरवी रखूंगा और टैक्सी के लिए 6-7 हजार रूपए मैं लाऊंगा। ये हुई नंबर दो वाली बात। अगर सुनो, इस बात की हमारी बीवियों को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ। वरना हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। बिल्कुल। इसको इसको बोल, इसकी गैस भी निकल जाती है ना तो बीवी के कान में जाके बोलता। ये तो चुप कर यार, मैं इतना भी भोला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ क्या बोलना है और क्या सेंसर करना है। अच्छा चलो चलो तैयार हो जाओ, अपनी बीवियों को जाके टोपियां पहनाते हैं। और सुनो, उनसे ये कहना है हमारी तरक्की हुई है, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं हैदराबाद। ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी ना? हाँ बढ़ जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
हैदराबाद से मेरे लिए चार मीनारी कंगन ले आओगी? अरे जाने चार मीनारी कंगन क्या, अगर तुम कहो तो मैं हैदराबाद का चार मीनार लाकर तुम्हारे हथेली पे रख दूं। सच? सच। लेकिन तुम्हारे हाथ तो दो है, मीनार चार है, कैसे रखूंगा? तुम चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सच्ची? सच्ची। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे अरे, लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप चुप बोल और दुआ कर, अगर काम हो गया ना तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे अरे, क्या कर रही हो? चार जन्मों तक नहीं, सात जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे सात जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ, हैं? चलेंगे हैं? अबे उठ! अरे अरे अरे! मैं तो जा रहा रहा रहा। रुक 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 रे! निकलो बाहर! ये देखा मेरा दोस्त ने कैसा बंगला बनाया ना? बनाया है? मतलब तेरा दोस्त बहुत बड़ा मिस्त्री है क्या? जबान को सही गेर में डालना, हैदराबाद के करोड़पतियों में नंबर वन पे आता है मेरा दोस्त ढोकला भाई। जब मिलेगा ना तो हिलेगा, समझा? ए, यही है क्या? शाम की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हर चीज ध्यान से होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये है? कौन है तू? अबे आटे वाले ढोकले। अप्पू खोटे बेपैंदे के लोटे। इन पालन पीलन पूला, इन पा इन पू इन लूला। लास्ट तू मेरे को आटे की दुकान पे मिला था, उसके बाद आज मिल रहा है तू? आटा पीस के रखा ना मेरे लिए घर में। अरे आटे को मार गोली, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है यार, तू कैसा है? अरे ढोकला भाई ढोकला खा के एकदम फिट है। वाह, गाड़ी वाड़ी लेके आया है, क्या स्टाइल है तेरा यार। गाड़ी की हालत तो देखो कितनी गंदी हो रही छी। अरे थोड़ा इसको पेंट वेंट करवा लेता चवन्नी दे के। अरे यार थोपड़े में पाउडर पोतने के लिए पैसे नहीं है, ये भाड़े की टैक्सी पे पेंट लगाऊंगा। मारूंगा मैं तेरे को, पाव भर भेजा नहीं है तेरे दिमाग में? मेरा भेजा है आधे पाव का यार। अरे यार टीवी में एक एड डाल देते कि ढोकला भाई से मिलना है, पता है बंबई की सड़कों पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं आधी से ज्यादा मेरी हैं। एक आधी गाड़ी में बैठ कर आ जाते चवन्नी देखे। देखा ये बचपन का प्यार है, हमारी मोहब्बत जो है ना जैसे सोडे में विस्की। सोडा भाई? ढोकला भाई, ढोकला भाई, ये सोडा है तो हमें अपना काजू और मूंगफली समझ के अपने साथ रख लीजिए ना प्लीज। क्या बात है, हम सब एक है। हाथ पीछे हाथ पीछे, ये दोनों जोकर कौन है? जैसे तो बचपन का यार है ना, वैसे ये मेरे जिगरी यार हैं, विजय और रवि। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोई चंदा मांगने आया चवन्नी देखे। थैंक यू। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, दरअसल तुझसे प्राइवेट बात करनी थी। अरे प्राइवेट बात बाद में, पहले रिलैक्स करो, आराम करो। इधर गार्डन है, शराब है, शबाब है, स्विमिंग पूल है। फिकर को सिगरेट के धुएं में उड़ा डाल। ढोकला भाई ने एक बार हाँ बोल दिया, हाँ। जान चले जाए ना तो हो ही नहीं सकता। शाबाश, आज से तुम तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर्स चवन्नी देखे। हाँ? बिजनेस पार्टनर्स? अरे ढोकले, तू हमको उल्टा लटका के भी ढोकले तो चवन्नी नहीं गिरेगी। पैसों की क्या बात करते हो? व्हाट इज मनी? ब्लडी मनी। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह के संत ढोकला भाई। आहा, संत बोला, संत देखो बोला, तृप्ति हो गई। मेरे को भरोसे वाले आदमी चाहिए, और तुम्हारे जैसे आदमी मुझे कहां मिलेंगे? एक काम करो, बॉम्बे तू संभाल ले, और दिल्ली तू, और हैदराबाद मैं संभालता हूँ, हमारे शौन और कलकत्ता तू संभाल ले। लाख रुपया महीना चलेगा चवन्नी देखे? लाख रुपया? क्या सचमुच महीना लाख रुपए मिलेगा? अरे लाख रुपए की क्या बात करते हो? ये जो मेरी सेक्रेटरी खड़ी है ना सेक्रेटरी, इसके लिपस्टिक परफ्यूम के लिए पूरा 5 लाख रुपए महीना देता हूँ इसको चवन्नी लेके। और इधर देखो, इधर ये जो गधा है ना गधा, इसके ऊपर पूरा लाख रुपया महीना खर्चा करता हूँ चवन्नी लेके। ये गधा नहीं है, ये तो बड़े साइज का कुत्ता है। अरे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गधे की बात कर रहा हूँ जो उस कुत्ते को संभाल रहा है चवन्नी लेके। मेरा लंदन का टिकट कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म्ड। ये लंदन क्यों? बाल कटवाने के लिए। क्या
बाल कटवाने के लिए लंदन? वो क्या है कि पिछली बार जब मैंने जापान में बाल कटवाए ना, तो उन सालों ने मेरे बाल छोटे छोटे काट दिए। तो इस बार मैंने सोचा कि लंदन जाके बाल कटवाऊं, टॉम क्रूज स्टाइल 20 देखे। तू अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए मेरे साथ लंदन क्यों नहीं चलता? सेक्रेटरी ये काम करो, दो टिकट बुक करो लंदन के 20 देखे। डुकलू, इतना महंगा सपना मैंने कभी नहीं देखा यार, लंदन। ए डुकला भाई, देखो हमारे बाल भी लंबे हैं, इसके दरा इसके बाल भी लंबे हैं, हमें साथ लंदन ले चलिए प्लीज। हमारे प्लेन का टिकट नहीं भी हुआ ना, हम लोग खड़े खड़े चले जाएंगे सर। अरे यार, ड्राइवर और क्लीनर के बाजू में जगह मिल जाएगा बस यार, फिर भी यार। अरे भीख मांग रहे हैं, काम करो, चार टिकट बुक कर दो 24 देखे। ये पीछे क्या कर रहा तू? एक काम कर, सबको अंदर लेकर जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो मैं खत्म करके आता हूँ, समझ गए ना? वही अंदर जा रही है। वाह पुखोटे वाह, आज तक खाना बांटने वाला देखा है मगर खाने के साथ बर्तन बांटने वाला ऐसे कमाल का इंसान नहीं देखा है। अरे कमाल का इंसान है, क्या कमाल का। अरे अप्पू खोटे, तुम तो भगवान के अवतार हो। हाँ, मुंबई पहुँचते ही तुम्हारे पाँव धोकर इन पैरों की फोटो खींचूंगा मैं। मेरे पैरों की फोटो क्यों? हाँ, तुम्हारे इन पैरों की फोटो को घर में सजा कर रोज उसकी पूजा करूंगा। अबे शराब पीने वालों को तारीफों का शरबत मत पिला, उतर जाएगी। अरे भाई लोग, जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो हम एक बड़ा सा आलीशान बंगला बनाएंगे और उसमें स्विमिंग पूल जरूर बनाएंगे। और उस स्विमिंग पूल में संडे के संडे हम अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर उनका स्विमिंग कॉम्पिटिशन रखेंगे। अबे अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाएंगे, कतरा करवाओगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम का? अबे अंग्रेजी पूल में देसी मुर्गियां, अबे अंग्रेजी लड़कियों को नहलाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर और डिस्को करवाएंगे। अरे पुलिस यहाँ क्यों? अब काय का पुलिस यार, त्योहार का चाय पानी लेने आए होंगे। बड़ा आदमी है यार, ये सर दर्द तो झेलना ही पड़ेगा और बहुत जल्द ये सर दर्द हम भी झेलने वाले हैं। अरे सर, यस सर, अरे सर, एवरीबॉडी ओके सर। ये दर्द भरी आवाज कहाँ से है? चल चल के देखते हैं। इधर से भाग ले। साला गांजा अफीम और हीरोइन सप्लाई करता है। सर मैं किसी हीरोइन को नहीं जानता, 24 देखे। अच्छा, गांजा के बारे में जानता है? सर मिस्टर गांजा मेरा एक दोस्त है बंबई के अंदर। ये ढोकला भाई को पुलिस धो क्यों रही है यार? चाय पानी देने से इनकार तो नहीं किया? क्या सप्लाई करता है उसके लिए इतनी धुलाई? घटला चुड़ू घटला चुड़ू, अब मुगरू दंगालू लगाओ नारू सर। हाँ कौन है ये तीनों? वो लोग स्मगलर नहीं है सर, वो लोग मेरे बिजनेस पार्टनर है। अरे तेरे दोस्त क्या निकला रे? ठहरो, हैंड्स अप, भागना मत वरना गोली मार दूंगा। ए मोटे, ये हमारे मर्दों का है ना, ऊपर से बुलावा आया है। ऊपर से बुलावा आया है? यानी वो लोग ऊपर चले गए? हे भगवान, मेरा भाड़ा कौन देगा? हे मोटे, भाड़ा गया तेरा भाड़ में? ऊपर से बुलावा मतलब वो नहीं, उनको प्रोमोशन मिला है, प्रोमोशन। कंपनी की तरफ से वो लोग हैदराबाद गए हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा? जब वापिस आएंगे तब पगार भी बढ़ेगा और तेरा सब कर्जा फिनिश। कमाल हो गया, कमाल हो गया। आज घर जाकर मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाऊंगा। भाड़ा मिलने की उम्मीद तो दिखाई दी है। पतीना किधर है? आप कौन है भाई और कहाँ से आए हैं? वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उस कंपनी में मैं प्यून हूँ। अच्छा प्यून है, प्यून है, हट, ए, अपने औकात में रहना। अरे अक्कल के अंधे, इधर आ, इधर आ। अरे वो लोग तुम्हारी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए और तुम्हें को नहीं मालूम? कोई ट्रेनिंग वेनिंग के लिए नहीं गया है, कंपनी ने उसको लात मार के निकाल दिया है। डिसमिस। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ गारंटी के साथ सच, जैसे वो हैदराबाद से आएंगे उनको बोलना मेरा पूरा कर्जा उतार दे, 25,000 रूपए है। 25,000? हाँ, एक एक पार्टी को 25,000 रूपए दिया है, एक साल हो गया। स्कूटर के वक्त 10,000 रूपया और दिवाली के वक्त 15,000 रूपया। तुम लोगों को बताया नहीं क्या उन्होंने? अरे वो लोग ना कह रहे ना। हाँ
देखो तुम्हारे मर्दों ने अगर मेरा पूरा कर्जा उतार नहीं दिया तो मैं उनकी चमड़ी उतार दूंगा गारंटी के साथ। ए मिस्टर गारंटी, तेरी अकल क्या तेरे घुटनों में है? नहीं क्यों? अरे उन लुच्चे लफंगों को इतना बड़ा कर्जा दे दिया, अब तुम्हारे पैसे वापस आएंगे उसकी क्या गारंटी है? मैंने नौकरी की गारंटी पे कर्जा नहीं दिया है तो घर की गारंटी लेकर कर्जा दिया है। अच्छा घर की घर की गारंटी पे तूने कर्जा दिया? अबे तेरी गारंटी की ऐसी की तैसी, ये घर उनके बाप का है, ये घर मेरा है। खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या लफड़ेबाज लोगों को मैंने अपना घर दिया है रहने के लिए, जो मेरे ही घर को अपना घर बताकर कर्जा उठाते हैं। बस खलास, खत्म, फिनिश, आउट, निकलो घर से बाहर निकलो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारी बात तो सुनिए। मैं बहरा हो गया हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे सिर्फ दिखाई देता है, और मैं अपने घर को खाली देखना चाहता हूँ। बाहर निकलो। प्लीज प्लीज हम पे दया कीजिए, प्लीज। देखो खाकर भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो। ठीक है, 1 तारीख तक की मोहलत देता हूँ, 2 तारीख को आकर सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को, नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा एक्साइट नहीं होना, जा। मैंने बहुत कमीने देखे लेकिन इतने स्पेशल टाइप के नहीं देखे। ए, चलो रे, अंदर का सब सामान उठाओ। देखिए भाई साहब, रुक जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। देखिए सारे मोहल्ले के सामने तमाशा हो जाएगा, दया कीजिए हम पे प्लीज। विश्वास कीजिए, हम कुछ भी करेंगे, नौकरी तक करेंगे, मगर हर महीना 1,000 रुपया आपको दे के आपका कर्जा चुका देंगे। हाँ देखो ब्याज मिले भाई, हमारे थोबड़े के सामने देखो और दया करो हम पे, आप चाहे तो पैर पड़ती हो आप। नहीं 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 नहीं, औरत जात है इसलिए दया करता हूँ, लेकिन हर महीने को अगर 1,000 रुपए का पैकेट नहीं आया तो मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, गारंटी के साथ। देखना है, ब्याज के बदले मैं स्कूटर ले जा रहा हूँ, पक्का हरामी हूँ। चलो रे, ले चलो साहब। प्रमोशन, ट्रेनिंग, क्या क्या बहाने बनाए, चले गए ना मजे करने। अरे अरे, हम लोग को थोड़ी मालूम था हमारे पति हमारे साथ ऐसा खेल खेलेंगे। अब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम झुमरी भाभी के पास जाएंगे और नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ।